यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज नॉमिनेशंस होने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी नॉमिनेट किया है। फिलहाल अभी तो मेरे शो को स्टार्ट हुए 1 महीना हुआ है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, जो भी मेरे जितने भी दोस्त हैं जो जी के बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं अलग अलग, तो उन सबको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और बहुत सारा फन करेंगे, मस्ती करेंगे आज। यार मैं सच बताऊँ ना तो मैं ना अपने काम को ही अपना अवार्ड मानता हूँ और जो भी मैं काम करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। बाकी ये सब उन पर डिपेंड करता है वो किसको देते हैं, बट मैं अपना जो भी काम करता हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ और पूरी शिद्दत से करता हूँ, तो वो मेरे लिए पहला अवार्ड होता है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। इवन जो एपिसोड्स भी हैं उसमें हमें ड्रामा डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभिमन्यु खुद अपने आप में ड्रामा है। मतलब एक ऐसा लड़का जिसे इतने सारे मल्टीपल डिसऑर्डर बोल सकते हो आप, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम इमोशन, कैसे भी एक्सट्रीम इमोशन में उसे लूप हो जाता है, लूप में चला जाता है वो, जो कुछ भी करता है उसके बाद में जब वो नॉर्मल होता है, उस सिचुएशन से बाहर आता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है कि उसने क्या किया था। अभी उसने हीरोइन को मारने की कोशिश की हल्दी वाले संगीत में, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मतलब कैरेक्टर ही अपने आप में एक ड्रामा है। तो हाँ, या पर्सनली पूछा जाए तो जिस तरीके के मैंने शोज़ किए हैं, जी के लिए मैंने नीली छतरी वाले किया था, उसमें मैं मॉडर्न शिवाय था, गौतम बुद्ध का कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। जब अभिमन्यु आया तो बिल्कुल डिफरेंट था, मेरी पर्सनल जो मेरी खुद की रियल पर्सनैलिटी है उससे बिल्कुल डिफरेंट था, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। बट हम एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टर से, किसी एनिमल से, जैसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें कोबरा से, सांप से भी ली थी इसके अंदर कि वो कैसे एकदम से घूमता है कैसे, तो मतलब कहीं ना कहीं से करके हम एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं और फाइनली मैंने अभिमन्यु को इस तरीके से बिल्ड किया। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें जो प्यार दे रहे हैं वो देते रहिए, और बेसिकली अवार्ड शो होता है जो आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं, तो हम उसके बदले में आपको थैंक यू बोलें, और जो आपने हमें सपोर्ट किया होता है उसके लिए हमें नॉमिनेट किया जाता है और उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, तो थैंक यू सो मच, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका, ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।